उसकी चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी ये यात्रा अटेली विधानसभा क्षेत्र में पहुँच चुकी है। अटेली में ग्राउंड जीरो से तमाम चर्चाएं लोगों से की जाएंगी। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां कितनी ज़्यादा हैं, यहाँ से जो बीजेपी के विधायक रहे 5 साल में कितना काम करवा पाए, कितना अपने आप को पास मानते हैं या फिर अब ये देख रहे हैं कि इस बार चुनौतियाँ कई हैं और इम्तिहान में फेल हो सकते हैं, तो तमाम चीज़ों की पड़ताल होगी ग्राउंड जीरो से। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की अटेली विधानसभा क्षेत्र से और सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अहिरवाल की राजनीति का गढ़, सरहद पर रक्षा करने वाले जवानों की जन्मभूमि अटेली, जहां यादव वोट बैंक ही प्रत्याशी की जीत की चाबी बनता आ रहा है। अगर रामपुरा हाउस का समर्थन है तो मानो सोने पर सुहागा। सियासत के रन में जाति हमेशा विकास के मुद्दे पर हावी पड़ी। विधायक का ताज भी अक्सर यादव उम्मीदवारों के सर पर सजा। एक समय पर अटेली कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, चाहे 1991 का चुनाव हो या 1966 का। 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कमल खिला। बीजेपी की संतोष यादव अटेली का किला फतह करने में सफल रही। 2019 में फिर बीजेपी के सीताराम यादव विधायक बने। अटेली में आज भी कई बड़ी समस्याएं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामान्य अस्पताल का दर्जा मिला, लेकिन धरातल की सच्चाई के मुताबिक CHC सेंटर ही है। अल्ट्रासाउंड सेवाओं का टोटा है, डॉक्टरों की ओर से मरीजों को रेफर करना बड़ी समस्या है। अनाज मंडी की खराब व्यवस्था भी प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। मंडी में जलभराव से फसलों को नुकसान आम बात है। रेलवे स्टेशन से सैकड़ों सेना के जवान और हजारों कामगार यात्री सफर करते हैं। आज भी यहां की जनता दिल्ली और जयपुर सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के हर दिन रुकने का इंतजार कर रही है। बाजार हो या आसपास के गांव, खस्ता हाल सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। इस बार अटेली की जनता जातिगत परंपरा तोड़कर विकास के मुद्दे पर वोट देगी या अपने पुराने रिवाज कायम रखेगी। अटेली की जनता का चुनावी मिजाज जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो अटेली में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप अटेली का ये श्री कृष्ण चौक देख रहे हैं। दाई तरफ मैं बात करूँ तो सड़क पे पूरा यहाँ पानी भरा हुआ है, बीच में सड़क टूटी भी है और वो गड्ढों में ये पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर फिलहाल तो परेशानी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अटेली की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में होगी पड़ताल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरफ मेन मार्केट है और बहुत से लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इस बार चुनावों को लेकर क्या कुछ नज़र आ रहा है। फिलहाल रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक भी यहाँ पर हो रहा है, कुछ बसेस वगैरह आ रही है, तो उनको रास्ता मिल जाए और रास्ता ब्लॉक नहीं हो इसलिए रोड के उस पार चलेंगे और करेंगे लोगों से बात। यहीं से ही है, कहाँ से हैं? करीना से। क्या लगता है इस बार विधानसभा में किसकी सरकार? सरकारी कांग्रेस जी हमारी, कांग्रेस जी। कांग्रेस का लग रहा है तो लगता है कांग्रेस सरकार बना लेगी। क्यों, कांग्रेस का क्यों जोर लग रहा है? कांग्रेस जी बढ़िया काम करी, जमींदार बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस बढ़िया काम करेगी तो बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किया क्या? ना जी, वो कुछ नहीं किया, नहीं किया। गरीब क्यों करेगा को ना? ठीक है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसलिए सरकार तो कांग्रेस आओ पूरा गारंटी आपको? हाँ जी, ठीक है, कह रहे विधानसभा में तो कांग्रेस आएगी, पूरा विश्वास है हमें इस बात का। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? जी बीजेपी आएगी, हमारे तो बीजेपी आएगी, विश्वास है, पूरा भरोसा है। पिछले 10 साल की बात करें तो बीजेपी के विधायक यहाँ से रहे, इससे पहले संतोष यादव रही, अभी सीताराम जी हैं। क्या कुछ काम करवा पाए हैं अटेली? देख लो जनता की, आप रुझान देख लो, 4-4 नेशनल हाईवे बन गए, लॉजिस्टिक हब बन गए नांगल चौधरी, एम्स बन गया मनिट्ठी में, और यहाँ पे हवाई अड्डा बाछो तो बन गया। सड़क पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, सीवरेज की समस्या जी होती रहती है, बारिश के अंदर होती रहती है, तो होती रहती है, तो इसको नहीं ठीक करवा पाए। नहीं होना चाहिए, विधायक साहब को काम करना चाहिए। किया नहीं इस बारे में? नहीं किया है, काम काफी किया है पर थोड़ा बहुत होता है जी, कर देंगे। अच्छा, नगर पालिका भी दायित्व तो बनता है। विश्वास है आपको कि विधायक जी पास हो जाएंगे? फुल भरोसा है जी, फुल भरोसा है जी पास हो जाएंगे। पीछे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार अटेली से विधायक किसको बनाएंगे या किस पार्टी का बनाएंगे? कांग्रेस का। कांग्रेस का बनाएंगे? क्यों, सीताराम जी से खुश नहीं है? कुछ नहीं है, लाइटें हैं ये खराब है। अच्छा, ना पानी निकलता, ना निकासी, ना लेना ना देना ना। तो बताओ, तो पिछले 10 साल बीजेपी के ही सरकार भी रही, बीजेपी के ही विधायक भी रहे, तो अटेली के काम नहीं हुए क्या? कुछ काम नहीं हुआ। क्या परेशानी सबसे बड़ी सर? सबसे मेन बात ये उपमंडल बनाना चाहिए अटेली को, कभी कनीणा कभी वहाँ। अटेली में क्या नहीं है बताओ आप, है ना? यहाँ
जनता नहीं है क्या नहीं है कुछ नहीं होता। तो मतलब आपकी तरफ जान मुझ के देखा नहीं जा रहा है? हाँ बिल्कुल, नजर हर बार नजरअंदाज किया जाता है इसको। अच्छा, तो परेशान है इस बात से आप? परेशान है आम पब्लिक, आप पता करो आप। इसीलिए सर आपके बीच में आए हैं, तो लगता है कि बदलाव होगा कांग्रेस? बदलाव बिल्कुल है जी। तो विधायक भी कांग्रेस का बनाना चाहते हैं? कांग्रेस का ही होगा जी। और सरकार किसकी बन पाएगी? सरकार भी कांग्रेस की होगी जब। अच्छा, ठीक है, सरकार भी कांग्रेस। और क्या, एक छोटा सा काम करते हैं, आधार कार्ड फलाना दिखड़ा ये वो वहाँ तक बताओ, कुछ भी काम लगा लो, कोई काम होता नहीं। कर्मचारी है ये जो PPP है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ये बढ़िया है कि क्या है? फैमिली आईडी के बढ़िया से जी, बताओ। राशन कार्ड दियो, अनाज लिया, बात खत्म। तेरो से भाई तू के करा सा भाई, जय का जो बिल्कुल गरीब आदमी है उसको नीचे दबाया जाता है, अमीर आदमी है वो ऊपर जाता है। अच्छा, हाँ तो परेशानी है? परेशानी है, कोई काम ही नहीं होता जी, समझे? कुछ नहीं होता, सिस्टम बना रखे हैं, सब परेशानी के हैं, लगातार तंग कर रहे हैं हमको और काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है अटेली से किस पार्टी का विधायक बनाएंगे इस बार? देखो जी, अटेली में सबसे पहले सीताराम जी विधायक बने, बहुत अच्छा काम किया है। कोई भी आम आदमी जा करके मिल सकता है उनसे। अच्छा। और कभी भी बात कर लो अगर सेशन में, तो उसके बाद भी उल्टा फोन करते हैं। और काफी काम हो रहे हैं, गाँव में विकास हो रहा है, रोड बने हैं जी, काफी रोड बने हैं। सीवर की जो समस्या है सड़कों पे, ये गंदगी साफ तौर पे नजर आ रही है, ऐसा ही रहता है का मैटर है जी। अच्छा। और इसके लिए चल रहा है काम। और गाँव में काफी रोड, हमारे गाँव में कम से कम 5-6 रोड बन गए जी, गाँव में टेल वगैरह की सब एकदम खुश है, बढ़िया काम। हाँ, तो अब की बार सरकार क्या लगता है बीजेपी बना पाएगी? देखो जी, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? सुनते तो होंगे चर्चाएं। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए, अच्छी बीजेपी आनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं कुछ, क्या लगता है अटेली में इस बार कौन सी पार्टी का विधायक बनने जा रहा है? कांग्रेस के जोर ज्यादा है। काम वाम नहीं हुए ज्यादा कुछ खास? काम नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने तो सरकार के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चले, 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, 10 साल से विधायक आपने अटेली से बीजेपी का बनवा रखा है, काम नहीं हो रहा, काम तब भी नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने वोट देवा, कांग्रेस को वोट देंगे उसके साथ जाएंगे। तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो काम हुए थे क्या? कांग्रेस के हाँ काम हो जाता था। अच्छा, हो जाते थे। तो अभी क्या नहीं हो रहा जिससे परेशान है आप लोग? कोई भी काम होता है टहलने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई काम नहीं होता है। जाते घूमते फिरना बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं होता। हाँ, तो ये ठीक होना चाहिए। मैंने एक फार्म भर रखा है रिपेयरिंग का, उसके लिए मैंने सब कहीं घूम लिया, लेकिन अब लग वो काम नहीं हुआ है। और चंडीगढ़ वो RTI भी लगा ली, वो नारनोल आ ली, नारनोल वो रखी है, अब लग उसका कोई सलूशन नहीं। फ़ोन करते हैं तो कह रहे हैं हो जाएगा, अब लग कुछ नहीं होता कुछ भी इसमें। मतलब अब की बार बदलाव का मन है? हाँ हाँ, ज़रूरी है, ज़रूरी। कांग्रेस आपको लगता नहीं लुटेरी पार्टी है? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगता है? बीजेपी वाले तो बार बार कहते हैं लूट के खा गई देश को। काम तो हो जाता है, काम हो जाता है, काम हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि लुटेरी है? लूट के नहीं खाया कांग्रेस ने, काम वाम कर देती है। कांग्रेस पार्टी के 10 साल की सरकार को देखा, बीजेपी की 10 साल की सरकार को देखा, अटेली के लिए सबसे बेहतर कौन है? कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। क्यों? क्यों? ये क्या क्या दे रही है गरीबों को? कुछ नहीं दे रही। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं जी, राशन दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो मिल जाए एक आदमी का, 5 किलो में गुजारा होता है गरीब आदमी का, कहा होगा। कांग्रेस से उम्मीद है आपको कि कांग्रेस कुछ क्या कर सकती है? कांग्रेस या क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो करेगी? अच्छी है पार्टी, अच्छी है पार्टी, बढ़िया पार्टी है। हाँ, अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं सबसे बड़ी चोर पार्टी है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। गरीब आदमियों के लिए तो पहले से भी कांग्रेस ने किया कुछ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इतनी सारी नीतियों की बात होती है, मोदी जी के कामों की बात होती है। मोदी जी ने तो किया था, मगर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है। भट्टा साहब कुछ नहीं कर रहे, नहीं कर पाए। तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए? कांग्रेस की सरकार बनाए तो अटेली भी बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, तरफ है। तो सीताराम के अगर कामकाज को देखें, सीताराम तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सीताराम ने, तो कहीं भी कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन आए हैं सब दौरा करने लगे हैं, अभी वोट दियो नहीं, कभी गांव में बूझा नहीं जाके किसी। अच्छा, कभी गांव में आए ही नहीं, मसाले भी नहीं। तो आप लोग जाते हैं, मिलते मिलते हैं या नहीं? नहीं, ये वो दिन गया था 2-3 दिन पहले बस, 5 साल की योजना में 2-3 दिन पहले गया है, कभी नहीं गया, गांव में गए ही नहीं। तो देखिए, लोग कह रहे हैं सीताराम तो कभी गांव में आते ही नहीं है, लोगों की बात सुनते ही नहीं है। एक फल वाले हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार किस पार्टी का विधायक बनाने जा रही है अटेली की जनता? इस बार तो बीजेपी का ही बनेगा जी, बीजेपी का ही बनेगा। हाँ, तो मतलब तीसरी बार बीजेपी का बना दें? तीसरी बार भी बीजेपी आएगी जी। क्यों जी, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? उसने काम अच्छा किया जी, रोडों का भी अच्छा काम किया है, और बाकी जो गरीब के हक में है, राशन है,
और जो भी को कार्य है गरीब का हित में अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, तो ये अगर हम सीवर की बात करें, लोग कह रहे हैं वो तो ब्लॉक ही रहते हैं, पानी भर जाता है सड़कों पे, तो उस दिशा में कोई काम वाम नहीं हुआ ज़्यादा? ये तो जी छोटी मोटी ये तो होती रहती हैं जी, कोई ब्लॉकेज हो जाता है वैसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी जनहित में काम है, अच्छा है, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे दिन भर फल खरीदने के लिए, तो चर्चा होती है चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर? चुनाव की होती है जी, बीजेपी का ही रुझान, सारे बीजेपी का रुझान कहते हैं आपको? हाँ सभी का कहते हैं ना, क्योंकि बहुत से लोग मिले कह रहे हैं कांग्रेस का भी रुझान है और लगता है बदलाव होगा। गुटबाजी है जी कांग्रेस में, गुटबाजी है। अच्छा, आपने कौन से गुट सुने हैं कांग्रेस पार्टी के? शैलजा है, भूपेंद्र हुड्डा है, सुरजेवाला है और अनेक हैं। बाकी किरण चौधरी चली गई बीजेपी में? हाँ, उससे भी नुकसान हुआ, उससे भी नुकसान हुआ। अच्छा, उससे नुकसान हुआ है? नुकसान ठीक है, कह रहे हैं कि किरण चौधरी और ये सब गुटबाजी है कांग्रेस की, ये पसंद नहीं है हमें, और इसी वजह से तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके नेगेटिव में जाती हैं। आपको क्या लगता है अटेली से? हाँ ऐसे ही है, सब ऐसा ही है या ठीक चल रहा है? जो भी है ठीक ही चल रहा है। ठीक है, तो किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो देखो जी भाग्यशाली जिसकी होगी उसी की होगी, कोई कैंडिडेट बढ़िया बीजेपी का आएगा उसी का होगा। अच्छा, तो अटेली के लोग नाम पर वोट दे देंगे पार्टी के या कैंडिडेट? पार्टी को वोट देंगे। हाँ। तो कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है आपको सर? पार्टी तो जैसे मोदी जी ठीक है। अच्छा, मोदी जी ठीक है। हाँ। तो मोदी जी के नाम पे विधानसभा में भी वोट डल पाएगी? हाँ, इसका एक बात ऐसा है ना कि कोई कुल मिला के धार्मिक कैंडिडेट आ जाए ना वो अच्छे वोटों से निकल जाए। अच्छा, हाँ, और वैसे मान लो कैंडिडेट के ऊपर 10% तो रुझान है। हाँ। नहीं वैसे तो मोदी जी को देखना, उसी को खुशी से उसी को वोट मिलते हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने वाकई में बहुत अच्छे काम किए और मोदी जी के नाम पर ही वोट हम फिर से देने के लिए तैयार हैं, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो, हम मोदी जी के साथ जाएंगे और काम वगैरह सब अच्छे किए हैं, पार्टी बढ़िया है और ये चीज़ हमें पसंद है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात, कुछ लड़कियां यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। आप कॉलेज में पढ़ती हैं? अभी क्या बस का इंतज़ार कर रही हैं? हाँ, बस का वेट कर रही हूँ। कहाँ पर रहती हैं, कॉलेज कहाँ पर है? कॉलेज यहाँ बस स्टैंड है, थोड़ा सा आगे है और अच्छा। मैं घड़ी से आती हूँ तो बस का वेट कर, बस आएगी तब मैं जाऊँगी। अच्छा, तो बस वगैरह मिल जाती है सही से? हाँ, बस सही टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, मतलब पैदल तो नहीं चलना पड़ता है? नहीं, पैदल नहीं चलना पड़ता। तो अभी चीज़ ने बेटर थी या पहले की सरकार में चीज़ें बढ़िया थी, बसेस वगैरह का सिस्टम या बाकी ओवरऑल हम चीज़ों की बात करें तो? पहले पापा के साथ जाती बाइक वगैरह से यहाँ पे, अब पहली बार सेकेंड फर्स्ट ईयर में हुई ना यहाँ पे, तो पहली बार आई यहाँ पे। तो क्या वोटर हैं, 18 साल से ऊपर हैं या फिर? नहीं, 18 साल से ऊपर नहीं। अच्छा, अभी नहीं? नहीं। ठीक है, तो अभी सड़कों की हम अगर बात करें तो ठीक ठाक हैं सड़कें? गाँव की अगर समस्याओं की बात करें तो क्या कुछ समस्याएं गाँव में हैं? गाँव में समस्या ठीक कुछ नहीं है, ऐसा वैसा ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आपको पता है चुनावों की बात होती है घर में, बीजेपी कांग्रेस तमाम दूसरी पार्टियों की चर्चाएं करते हैं क्या घर वाले? हाँ करते हैं। करते हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है आपको? बस घर वाले आपस में बात करते रहते हैं। क्या लगता है घर वालों को कौन सी पार्टी बढ़िया है? बीजेपी बता रहे हैं। बीजेपी बढ़िया है कह रहे हैं, घर वालों को लगता है बीजेपी बढ़िया है। शुक्रिया बातचीत के लिए, हम इनसे भी बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं? नहीं, कहाँ से हैं आप? राजगढ़ तक। अच्छा, क्या लगता है अटेली में हम बात करें तो विकास कार्य ठीक ठाक हुए या नहीं? ठीक ही हो तो बेटे, हम तो आई स्वाद मत कई महीना। आप किसी के घर आई हैं किसी से मिलने? आगे जाती हूँ मैं। अच्छा, कनीने के पास। कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं, कुछ युवा ही हैं और इनसे पूछते हैं कि बसेस वगैरह क्या ठीक से मिल जाती हैं? आप लोकल हैं अटेली के? नहीं जी। कहाँ के हैं? मैम, महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ के? एक ही जिले में आता है ना, जिले की बात कर लें अगर तो विकास कार्य हुए अटेली में? हाँ, विकास कार्य काफ़ी, रोड राड बन गए, बाकी पहले से बेटर है। पूरा रोड पे कीचड़, गंदगी हर तरफ देखने को मिल रही है। ये तो अब पब्लिक के हाथ में है ना। अच्छा, पब्लिक गंदगी करती है, पब्लिक को अब और कोई थोड़ी ना सामान ले आएगा। बाकी कीचड़ गंदगी बारिश हुई है उस वजह से पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत, रोड के साइड में तो रहेगा। काम वाम बढ़िया किया है सरकार ने? हाँ, काम हमारे हिसाब से सही है, बाकी नौजवानों के लिए रोजगार नहीं रहा। अच्छा, रोजगार नहीं रहा? नहीं, रोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की बात बार बार सरकार करती है और कहती है कि हमने खर्ची पर्ची बंद करके योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। वो अच्छी बात है, खर्ची पर्ची बंद करके अच्छी बात की है, वो तो चलो अच्छी बात है, पर सबसे मेन बात तो ये है ना, आर्मी के लिए बंदे तैयारी कर रहे थे, इतनी मतलब इतनी बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं बच्चे। अग्निवीर योजना से नाराज हैं? अग्निवीर योजना से बहुत ज्यादा बच्चे बेरोजगार हो गए। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स अग्निवीर योजना में हैं और सरकार को वो वापस लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वापस लेनी चाहिए, अग्निवीर मुझे पसंद नहीं है। आपको नहीं पसंद? नहीं है। नहीं
तो आपका सपना था फौज में जाने का? बिल्कुल सपना था, बहुत मेहनत की थी। 12th में मैंने ना, मैं 8 से था, मैं जीटी से भर्ती देखने के लिए गया था, तो उसमें मेरे को हाइट में निकाल दिया था उन्होंने। तो कलर्क से भर्ती देखने के लिए मैंने प्लस टू की, 8 विद मैथ लेके की। 8 से तो भर्ती देखने नहीं दे रहे थे, तो मैथ लेके मैंने तैयारी की रखी थी भर्ती देखने के लिए। आप मैथ से प्लस टू की तो फिर वो अग्निवीर कर दिया उन्होंने, और फिर ओवर एज दिखा दी उसमें कि भाई इतनी एज का तो बंदा देख सकता है, तो उसमें फिर मैं रिजेक्ट हो गया। तो वही है मेरा सपना रह गया। सपना रह गया तो दुख होता है, आप चाहते हैं कि कम से कम बाकी युवाओं का ये सपना नहीं रहना। वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अग्निवीर मुझे पसंद नहीं है। तो कह रहे हैं अग्निवीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सरकार को वापस लेनी चाहिए। कुछ पीछे भी महिलाएं हैं, हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि इस बार क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। ताई आपको क्या लगता है, अटेली में काम वाम बढ़िया करवाए सरकार ने या नहीं? काम हुए, विकास कार्य हुए विधायक ने सरकार ने? महेंद्रगढ़ से महेंद्रगढ़ से आए हैं तो जिला तो एक ही है, क्या लगता है महेंद्रगढ़ में काम वाम हुए, इस पूरे जिले में काम हुए क्या? भाई काम तो बढ़िया है, रोड का सब चीज बढ़िया बन रहा है। क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? अक्टूबर में चुनाव है विधानसभा का, कौन सरकार आनी चाहिए? क्या लगता है अभी लोकसभा का चुनाव आपने देखा हाल ही में हुआ है ना, अभी विधानसभा का चुनाव है, कुछ सोचा, कुछ मन में है कुछ विचार या अभी नहीं? बेटा मेरे तो कोई विचार ना होता, बड़ा घर ही रहूं सके, विचार नहीं के पता मेरे को। आप मगर काम वाम की बात करें तो महिलाओं को लेके चीज़ें बढ़िया हुई हैं या फिर चीज़ें अभी मुश्किल है? होता तो बहुत बढ़िया है ऐसे बहुत काम हा? बढ़िया है काम है उसमें बहुत। अच्छा ठीक है सब, कह रहे हमें ज़्यादा तो बेरा नहीं है पर ठीक है, काम ठीक ठाक हुए हैं, सड़कें वड़कें ठीक बन गई हैं और चीज़ें थोड़ी सी सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। अभी सरकार किसकी बनेगी या विधायक कौन होगा, इन तमाम चीज़ों को लेके कुछ नहीं कह सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको अटेली की, और अब आपको मिलवाते हैं अटेली के विधायक सीताराम जी से। पिछले 5 साल में क्या कुछ काम करवा पाए हैं और कितने अपने आप को पास मानते हैं, इन तमाम बातों को लेकर उनसे सवाल किए जाएंगे। और उपमंडल बनाने के लिए अटेली को उनके प्रयास अभी तक विफल क्यों रहे, सबसे बड़ा सवाल यही पूछेंगे। चलिए मेरे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा अटेली में है और ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों ने हमारे साथ अपनी बातें साझा की और बताया कि इस बार चुनावों में क्या कुछ उनके मुद्दे, क्या कुछ परेशानियां हैं। अब आपको मिलवाते हैं अटेली के विधायक से सीताराम यादव जी से, पिछले 5 सालों में कितने कुछ काम कर पाए हैं और कितना सफल मानते हैं आपको खुद ही बताएंगे। हमारे साथ विधायक साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत सीताराम जी आपका हरियाणा न्यूज़ पर। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, तो हरियाणा न्यूज़ के जो सभी श्रोता उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या लगता है सर पिछले 5 सालों में किस तरीके का काम आप अटेली के लोगों के लिए कर पाए हैं, अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, हमारा 2 साल लगभग शुरू की साल कोरोना में कुछ हमारे काम धीमी गति से हुए, लेकिन उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंटों में और सभी विधानसभा में लगातार विकास कार्य हुए, और उस कड़ी में हमारे इस क्षेत्र में अटेली विधानसभा में हमारे सिंचाई विभाग के, पब्लिक हेल्थ के और PWD के, मार्केटिंग बोर्ड के, पंचायत राज के बहुत से काम हुए हैं, और लगभग अटेली विधानसभा में तीनों चारों डिपार्टमेंटों को मिला करके मार्केटिंग बोर्ड और PWD और पंचायत राज के लगभग हमने 150 सड़क एक दूसरे गाँव को जोड़ने की हमने पक्की करवाई, और हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने प्रत्येक गांव के पौंड को नहरों से जोड़ करके उन्होंने पानी भरवाया, और हमारी जो एक कृष्णावती एक नदी है उसके हमारे लगभग 70 करोड़ के 2-3 प्रोजेक्ट, उनका बड़ी नहर से पानी हम रिचार्ज करने के लिए हमने पानी डलवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो संतुष्ट है आपको, लगता है बढ़िया काम वाम हुए हैं? बिल्कुल बहुत। अगर हम 2014 की बात करें तो अटेली से विधायक थे संतोष यादव, उनकी टिकट कटी, सीताराम यादव को टिकट मिली। अब क्या मान के चलें कि टिकट 2024 में सीताराम यादव को ही मिलने जा रही है, या फिर आपकी टिकट काट के, जैसे कि हमने देखा अलग अलग नेताओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं, कि टिकट को कोई खतरा देख रहे हैं आप? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा जी। मैंने अपने लगभग पाँच साल के कार्यकाल में मैंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा के साथ मैंने काम किया है, और मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ,
और उसी समर्पण भाव से मैंने 5 साल लगातार मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। हर गांव में सुख दुख में मैं लोगों के पास जाता रहा हूँ और जो भी मुझे काम दे दिया तो मैंने ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा के साथ मैंने काम करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास करके दोबारा से अटेली विधानसभा से मुझे दोबारा से मौका शीर्ष नेतृत्व देगा और हम बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव में लड़ेंगे। अटेली विधानसभा के लोगों की एक बड़ी समस्या है सीताराम जी, हम भी ग्राउंड जीरो पे जब अपनी चुनाव यात्रा के जरिए हम उनके पास पहुंचे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उपमंडल बनाने की बातें तो तमाम लोग करते रहे लेकिन अटेली को उपमंडल आखिर कब बनाया जाएगा, कब उसका समाधान होगा और क्या बनाया भी जाएगा या नहीं? मैं पिछले दिनों से मैंने 2-3 बार विधानसभा में भी ये डिमांड रखी है और मैं अभी पिछले दिनों भी मैंने मुख्यमंत्री जी से और हमारी जो कमेटी के जो 4 मेंबर बनाए हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी और हमारे कंवरपाल जी इसके चेयरमैन हैं और सुभाष सुधा जी और हमारे पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी इसके सदस्य हैं, उन 500 से मैंने मिल करके पिछले दिनों भी मैंने उसे अपनी मांग पत्र में रखा है कि हमारी जो अटेली जो तहसील है इसका बहुत दिनों से पुरानी लोगों की मांग है, इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए और हमारी एक दोंगड़ा बड़ा गांव है उसके आसपास के गांव भी काफ़ी लोग इच्छुक हैं और हमने दोंगड़ा में भी उप तहसील बनाई जाए, ये हमने दोनों डिमांड रखी है और उन्होंने अटेली के लोगों की ये डिमांड जो है पूरी होगी, सपने तो बहुत दिखा दिए लेकिन सपने हकीकत में तब्दील नहीं हो रहे हैं। नहीं, सपने दिखाने की ऐसी कोई बात नहीं, ये लोगों की डिमांड है और मैं भी बिल्कुल चाहता हूँ कि अटेली जो तहसील है इसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब नॉर्म्स पूरे हो गए, उन्होंने नॉर्म्स डीसी मैडम से अपनी तय करवा लिया होगी कि करीना और जो हमारे नारनौल उपमंडल के कुछ गांव अटेली में शामिल होने हैं वो शामिल होने के बाद वो उनके नॉर्म्स तो कहीं नहीं टूटते हैं और अगर नॉर्म्स पूरे होते हैं तो मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। इंद्रदेव बहुत मेहरबान है, आज जमकर बारिश हो रही है और जमकर जब बारिश होती है तब नेताओं के चेहरे पे परेशानी आना लाजमी है क्योंकि जगह जगह जलभराव हो जाता है, पूरा पानी भर जाता है तो बारिश से चिंता होती है, आपको परेशान हो जाते हैं कि भाई अब तो वोटर नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सभी गाँव में शहर में पानी की निकासी का हमने पूरा प्रबंध कर रखा है। पानी तो खड़ा हो जाता है ना सर, बारिश आती है तो हर जगह पे देखते हैं पानी तो इकट्ठा हो जाता है। अब बारिश में पानी तो खड़ा रहना स्वाभाविक है लेकिन फिर भी हमने काफी इंतजाम कर रखे हैं और यहाँ लोगों को कोई ज्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं। हम अलग अलग एरियाज में भी गए अटेली के और गाँव में भी गए, तमाम लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि साफ सफाई को लेकर कुछ खास काम होते नहीं है, सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है लेकिन ग्राउंड पे वो हकीकत देखने को मिलती नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे बड़े बड़े गांव में तो सांसद महोदय ने छोटे ट्रैक्टर दे रखे सफाई के लिए और बाकी बहुत से गांव में ये ई रिक्शा के माध्यम से सभी पंचायतों ने प्रबंध कर रखे हैं, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम सभी गांवों के हम टेंडर करके और वहाँ पे ये साधन लगा के और सफाई का विशेष ध्यान रखें। अहिरवाल की राजनीति की हम बात करें तो आपको क्या लगता है दक्षिण हरियाणा के लिए पहले क्या कुछ हुआ था और अभी जब बीजेपी की सरकार बनी तब से कितने बदलाव दक्षिण हरियाणा के लोगों की ज़िंदगी में आए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले कांग्रेस के सरकार में कभी यहाँ पे इस दक्षिण हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चली और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा की सरकार चली उसके बाद में इस दक्षिण हरियाणा में लगातार सभी विधानसभाओं में और सभी डिपार्टमेंटों में काम ज़्यादा से ज़्यादा हुए। हमारे इस क्षेत्र में कभी 1975 में नहर बनी थी, उसके बाद में हमें कभी उनमें पानी नहीं देखा और पानी पहुंचाने की बात हुई, उसमें सफल है आपकी सरकार? सफल रही बिल्कुल 100% सफल है जी और प्रत्येक गांव में पौंड बनाकर जोड़ों में भी पानी नहर का हमने डाला है और हमारे यहाँ अटेली विधानसभा में 61 गाँव की परियोजना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू कर दी है। एक हमारा बाड़खी से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 61 गाँव का, उसमें लगभग 68 गाँव में हमने बूस्टर बना करके पानी की सुचारू रूप से सप्लाई दे दी और हमारा 29 गाँव का एक प्रोजेक्ट गाढ़ा में चला हुआ है और पीने का पानी हर घर में नल और नल से जल ये जोड़ने का काम किया है आप लोगों ने, तो आप संतुष्ट हैं कि ठीक है बढ़िया काम किया है? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी, हमने हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची यहाँ के युवाओं को योग्यता के आधार पर जो नौकरी दी, अभी अभी लगभग 7,500-8,000 TGT जो टीचर लगे हैं उनका सम्मान समारोह माने हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पंचकुला में उनको बुला करके सबको सम्मान किया और मेरे क्षेत्र में भी लगभग अटेली विधानसभा में लगभग 100 के आसपास TGT टीचर लगे हैं।
इससे फायदा होगा क्योंकि लगातार एक कांग्रेस की तरफ से एजेंडा चलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, भर्तियां रुकी पड़ी हैं, दावे कर रहे हैं कि पर्ची खर्ची बंद कर दी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, बैक गेट से सब चलता है। ऐसा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारी 10 साल की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने 1,41,000 युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम किया है, जबकि उनके 10 साल के कार्यकाल में लगभग 70 से 75 हज़ार नौकरियाँ दी थी, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और उनके लगभग PTI और ड्राइंग टीचर उनके लगभग 2-3 हज़ार तो कर्मचारी हाईकोर्ट से हटाए भी दिए गए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह जी ने बड़ी पारदर्शिता से बिना खर्चे और बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया। एक बात बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि एक हवा चल रही है और कांग्रेस की सरकार इस बार बनने जा रही है, वो हवा आपको यहाँ दिखाई दे रही है दक्षिण हरियाणा में कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई हवा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि ये दक्षिण हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा के सभी मतदाताओं का बीजेपी की सरकार पर पूरा विश्वास है और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनाएंगे। तीसरी बार फिर से बनाने के लिए सरकार तैयार है, कांग्रेस के लिए 70 पार हम ले जाएंगे? नहीं, कांग्रेस वो तो लगातार ऐसे करते हैं, हमने उनको लगातार कई सालों से 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस के हैं, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ऐसे हम सुनते रहे हैं, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने का कोई काम नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगभग हरियाणा में 12,000 के आसपास BPL कार्ड थे और आज की तारीख में 42 लाख परिवारों को BPL कार्ड का फायदा मिल रहा है और उससे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड का फायदा होगा। लेकिन अगर हम हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ में भी बहुत ही नज़दीक का मुकाबला देखने को मिला और हालांकि जीत गए BJP के सांसद उम्मीदवार, लेकिन आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों में ये मुकाबला जो है और कठिन हो सकता है? नहीं, इसमें कोई मुकाबला नहीं, और कुछ एक मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग मुद्दे होते हैं, हरियाणा के अलग होते हैं, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अभी ये जो 7,500-8,000 टीचरों की जो लिस्ट जो आउट की, इससे पूरे हरियाणा में बड़ा ठीक संदेश गया है और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत की सरकार। क्या नायब सिंह सैनी जी ने आउट की है उनके मतलब चेक करके कि हमारे लगे हैं या नहीं, ऐसा कुछ देख के किया है या फिर? नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले टेस्ट लिए थे। अच्छा। उसके आधार पर, जो योग्यता के आधार पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट आउट हुई है। आपने कहा ना नायब सिंह सैनी जी ने किया, तो मैंने कहा पूछ लूँ कि जरा कन्फ्यूजन हमारी ऐसी हो ना। सिलेक्शन कमीशन जो हमारा है जो भर्ती करने का, उनके टेस्ट के माध्यम से और जो योग्य उम्मीदवार थे उनकी लिस्ट जारी की गई है। आपकी सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है भर्तियों में? ना जी, ना बिल्कुल भी नहीं। योग्यता क्या? अग्निवीरों की बात कर लें, और हमने यहाँ पर भी बहुत से लोगों से बात करी, युवाओं से खासतौर पर बात की, तो अग्निवीर योजना को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नजर आए। आपको लगता है ये मुसीबत बनेगा आपके लिए इस चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अग्निवीर में जो कुछ बदलाव करना था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बदलाव के बाद भी संतुष्ट नहीं है युवा, बहुत से युवाओं से बात की हमने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ केवल और कांग्रेसी जो लोग हैं उनकी, कांग्रेसी नहीं है सर, आम लोगों ने बताया और आपके हलके के लोगों ने ही बताया, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं है, हमें तो ऐसा कोई आज तक नहीं मिला, और जो कांग्रेस के लोग हैं ये दुष्प्रचार करते हैं। जैसे युवा भी खुश हैं, अग्निवीर योजना उनको बढ़िया लग रही है, बिल्कुल खुश हैं जी। तो ऐसा क्यों हो गया कि दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह को खुद ही ये कहना पड़ा कि सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, अग्निवीर योजना परेशान कर रही है? देखो, कोई भी स्कीम चलती है उसमें अमेंडमेंट तो हमेशा होते रहते हैं। कांग्रेसियों ने अब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दुष्प्रचार करके और उन्होंने कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये कहीं ना कहीं बात हम लोगों के बीच में ठीक ढंग से हम नहीं कह सके, और उन्होंने इस बात का दुष्प्रचार करके और कुछ हमारे वर्ग के जो लोग हैं उनको बरगला के और झूठा बहका करके उन लोगों के को वोट हथिया लिए और उन लोगों ने उनको वोट दे दिए, जिससे हमारा ये हर जगह कंटेस्ट होगा। नहीं, बाकी ऐसी अभी ना लोग अपने आप को बरगलाने देंगे और ना किसी भी तरीके के बहकावे में झांसे में आएंगे। हम बड़ी मजबूती के साथ लोगों को सब बात समझाएंगे और ऐसी कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार में इतने सारे पोस्टर्स लगे हैं, सीताराम यादव जी को डर तो नहीं लग रहा है?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। बाकी जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं सभी की इच्छा तो रहती है कि मेरे को भी चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि यहाँ से विधानसभा का चुनाव अटेली से भारतीय जनता पार्टी का कौन लड़े, सीताराम यादव लड़े या कोई और लड़े, आप साथ में ही हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का 1980 से निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करके और मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझे चुनाव ना लड़ाकर अगर और कोई जिम्मेवारी देगी तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार रहेगा मैं उसके साथ रहूँगा और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व तो मुझ पर विश्वास करके जताए और दोबारा से मुझे मौका देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सीताराम यादव जी हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। तो आपने सुना सीताराम यादव जी ने तमाम बातें हमारे साथ साझा की और साफ तौर पे ये कहा कि देखिए कि लगातार मैंने काम किया है और मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा रहा और लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम किया। अब ये पार्टी का फैसला है, 2014 में संतोष यादव को टिकट दी, उनकी टिकट काट के 2019 में सीताराम यादव जी को दे दी, अब इन्हीं को देनी है या 2024 में कोई बदलाव होगा? ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सीताराम यादव जी को मंजूर है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी निभाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अठेली विधानसभा में आज आप हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा को देख रहे हैं और आपने देखा ग्राउंड जीरो से हमने तमाम लोगों से बात की और क्या कुछ परेशानियां उन्होंने हमारे साथ साझा की और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों को क्या कुछ अभी से समझ में आ रहा है, तमाम बातें उन्होंने हमारे साथ विधानसभा चुनावों को लेकर की। साथ ही साथ अठेली के विधायक सीताराम जी ने भी आपको बताया कि निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं और फिर से जीत को लेकर भी बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को भी बात उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल हम अटेली के ही गांव बिहाली में आ चुके हैं और ग्राउंड जीरो से ये आप तस्वीर देख सकते हैं, अटेली का गांव बिहाली है और मेरे बाईं तरफ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनसे चर्चा की जाएगी हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के ज़रिए कि आखिर क्या कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, विधायक इस बार कौन बनने जा रहा है और किसकी सरकार देखते हैं। यहीं से ही हैं आप गांव से? हाँ जी, यहीं बिहाली गांव से हैं। कैसे काम हुए हैं आपके गांव में? काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी सरकार है। हाँ, अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है, बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चे जो कामयाब हो रहे हैं वो लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं सब। आपको लगता है कि बीजेपी का कोई स्कोप है तीसरी बार सरकार बनाने का? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो तीसरी बार आप बीजेपी का विधायक बनाने के लिए भी तैयार हैं? हाँ बिल्कुल 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 बनाएंगे। खुश है एकदम? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी। ठीक है, आप कह रहे बिना खर्ची पर्ची के काम हो रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं, अग्निवीर योजना को लेकर आपका क्या ख्याल है? सरकार ने बहुत जो किया है ना वो सही किया है जी। अच्छा। हाँ, 4 साल में हर बंदा लग जाएगा, आ जाएगा, फिर 10% कोटा मिल रहा है। हाँ, 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 तो अभी ऐलान किया आप, युवा बहुत से हमें मिले, हम उनसे बात भी की हमने उनसे और उन्होंने बताया कि हम नाराज हैं, हमें ये अग्निवीर योजना बिल्कुल सही नहीं लगती और ये धोखा है हमारे साथ, आपको लगता है? नहीं, बच्चों के स्कीम तो सही है वो, लेकिन ऐसे है वो देखिए अग्निवीर सरकार ने सही निकाली है, वो तो स्कीम तो सही निकाली है और वैसे देखो 4 साल में बंदा जाता है नौकरी के लिए तो वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता, बॉर्डर पे जो 16 साल में पेंशन आता है उसका काम नहीं करेगा वो। तो आपको लगता है कि बच्चे इसलिए नाराज हैं? हाँ जी। तो अगर हम गांव के विकास की बात करें तो आपके गांव तक विकास पहुंचा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हाँ, विकास हुआ जी। हाँ जी। तो पानी वानी आता है, जोहड़ वगैरह सब साफ है? जोहड़ भी है, पानी की सप्लाई नहर रहता है, जोहड़ से सप्लाई होगी पानी की, ज्वाइंट कर दिया, उससे बढ़िया काम है। कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया काम हुए हैं और अग्निवीर योजना ठीक है, युवा थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो खफा हैं उस योजना को लेकर। वहाँ पे भी कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, ताऊ क्या लगता है इस बार किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है? सरकार जी बनने जा रही है जी, तो हम तो भाई बीजेपी कांग्रेस या कोई और? बिल्कुल जेपी का, बीजेपी पूरा विश्वास है बीजेपी। हाँ विश्वास है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बातें तमाम पार्टियों ने करी हैं, उसका विश्वास है। बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन की अगर बात करें, हाँ बिल्कुल सारी
सुलेट के राखे हैं मैंने। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो 6,000 पेंशन कर देंगे। पैसे तो ये गलत है जी, 6,000 तो पर बुढ़ा के लिए तो बीजेपी बढ़िया आदमी है। अच्छा, चाहे 6,000 पेंशन बोलती रहे कांग्रेस पार्टी, आप लोग झांसे में नहीं आने? नहीं, झांसे में नहीं आएंगे। एक वो दुष्यंत चौटाला भी थे, वो कह रहे 5,100 10,000 दो जी, हम तो चक्कर में ना आऊंगा। बीजेपी बढ़िया है, काम बढ़िया है, पेंशन ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए, बीजेपी बढ़िया है काम कर रही है, पर बीजेपी चाहिए। बुजुर्ग कह रहे हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें ज्यादा पेंशन का लालच मत दीजिए हमें, लेकिन बीजेपी चाहिए। कुछ और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, बुजुर्ग तो कह रहे हैं कि भाई हमें पेंशन नहीं चाहिए ज्यादा, हमें बीजेपी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? ना बीजेपी ठीक है, पेंशन तो चाहिए, वह बात तो नहीं है। तो लोग कह रहे हैं ज्यादा पेंशन नहीं चाहिए, हम तो कम में भी गुजारा कर लेंगे। वो तो मान लो सरकार जो देगी वो तो सही देगी, वह बात। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है 6,000 पेंशन दे देंगे हमारी सरकार बनी तो, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला 5,100 लगातार कहते रहे। सरकार की बात रही है, बीजेपी है जो फिलहाल बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। गाँव तक विकास पहुँच पाया है, गाँव तक भी पहुँच पा रहा है, हर जगह विकास है बीजेपी का, बीजेपी ठीक है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने की हवा है, कांग्रेस का बहुत जोर लग रहा है, आपको नजर आ रहा है क्या? जी मेयर को तो नजर नहीं आ रहा, बीजेपी की नजर है और की बात नहीं। तो कह रहे मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि कहीं कोई स्कोप कांग्रेस पार्टी के लिए है, बीजेपी का ही बोलबाला नजर आ रहा है और बीजेपी के लिए ही लोग लगातार दिल से जुड़े हुए हैं उनके साथ, क्योंकि काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ और गाँव की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, आप बन रही हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो अचेली विधानसभा में आज हमारी चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और तमाम लोगों से बात करके आपको हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही बता रही है कि लोग क्या सोच रहे हैं। गांव कांटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये पूरे हलके का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव से आखिर लोगों के मन में कौन है और कौन जीत के निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है इस बार अटेली से विधायक किस पार्टी का बनाने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का क्यों? काम नहीं हो रहा। गैलरी योजना में तो खूब हुआ काम, गैलरी योजना में तो खूब हुआ काम, और अब की योजना में बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, जीरो। तो पहले गायक भी जीरो ही समझ लो। संतोष यादव ठीक थी? और उस टाइम तो काम हुआ। अच्छा, उस टाइम तो काम तो हुआ। हाँ। अब वो ठीक ना ठीक का हमें कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन काम हो गया, काम हुआ। क्या क्या काम हुए थे तब और अब क्या नहीं करवा पाए? सीताराम, हमारे गाँव के अंदर कोई रोड नहीं था, सब पुख्ता, टोटली गली पक्की होगी, कुछ एक रह रही है। अच्छा, पिछली योजना। अच्छा, जब ये पहली इस बार सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, तब ये तमाम चीजें हो गई थी। तो अभी क्या समस्याएं हैं जो काम नहीं हुए हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। कोई मकान इंदिरा आवास योजना के तहत कोई मकान बनाना या और कुछ, कोई ग्रांट, किसी को एक देला नहीं मिला, कोई मकान, मकान की ग्रांट या। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का विधायक आप बना देंगे, तो कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे? किसी को भी दे दे, हमें कोई लेना देना नहीं किसी को भी। चाहिए। अच्छा, चाहिए किसो जीरो। तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, कोई देखने वाला सुनने वाला है नहीं, नुकसान नहीं होगा आपको लगता है? देखो हमें तो नुकसान लग नहीं रहा, और देखो इतना ऊंचा लेवल तक हम जा नहीं पा रहे, हमें नॉलेज भी नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि भाई हुड्डा सरकार बनाने जा रही है। कुछ लोगों से हम मिले, वो कह रहे थे कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ रोहतक के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के नहीं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरा हरियाणा में विकास खूब गया। छुट्टी का ग्राम पंचायत को खूब पैसा दिया, हर एक तरह दरबार खोल रखा था, जिसको लगाना हो इतना पैसा लगा। दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव नहीं किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पैसा खूब दिया था। सरपंच ना लगाओ उसकी मर्जी है, बाकी खूब पैसा दिया था। तो ये बीजेपी वाले भी सरपंच की ग्रांट बढ़ा रहे हैं, फंड बढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि कुछ होगा गाँव में उससे? ना, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। तो सिर्फ कांग्रेस से ही उम्मीद है? हाँ, कांग्रेस, कांग्रेस बनेगी अगली बार। अब आने वाले अमित शाह पहुंचे महेंद्रगढ़, साफ तौर पे कह दिया कि अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है ऐसा? हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसा पड़ गया। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी को हम कंपेयर करें, आप देखें कि दोनों किस तरीके के नेता हैं, क्या काम किया, कैसा काम किया, तो आप क्या आंकेंगे, कौन बेहतर है और कौन ठीक ठाक है? देखो हमें तो भूपेंद्र हुड्डा ही अच्छा लग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा बढ़िया लगता है, विचार हमारा बदल गया है।
तो अभी किसी भी तरीके से बीजेपी वापसी आप कह रहे हैं नहीं कर सकती? देखो मेरी तो सोच यही है कि भाई नहीं आएगी बीजेपी, और आगे देखो पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब कह रहे हैं इस तरीके की एक लहर चल रही है कि सबको मालूम है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ऐसा है आपको लगता है? बिल्कुल यही बात है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो ये अग्निवीर योजना आपको लगता है युवाओं के लिए फायदेमंद है? नहीं, गलत है वो अग्निवीर, गलत है ये, कोई वो नहीं चाहिए इसमें, ये दो चार पाँच साल बढ़ा दो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नाराज ही है उससे, नाराज है इससे। तो ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना से भी कोई भला हो नहीं सकता है, और यहाँ पे भी हम चलते हैं, एक दुकान है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या लगता है। आपके गांव की बात करें, इनके विकास की बात करें, तो पिछले पाँच साल में क्या कुछ बदलाव आपने देखे अपने गांव में? चेंजेस तो काफ़ी हुआ है, अभी पाँच साल में या इससे पहले वाले पाँच साल में? हाँ बस पाँच साल, पाँच दस साल का जो है, पाँच साल में आप कह रहे हैं चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन अभी हाल ही में बस विकास हुआ है, उससे ज़्यादा पहले तस्वीरें हमें मालूम नहीं थी। इसी गांव से हैं आप जी? है। क्या लगता है इस बार किसका विधायक बनाने जा रहे हैं? देखो जी वो तो समय आएगा जब देखेंगे, अभी क्या लगता है कुछ सोचा है या अभी नहीं? तो नहीं सोचा, हम बुढ़े आदमी, हम क्या सोचेंगे अभी? तो बुढ़े आदमी तो सबसे ज्यादा सोचते हैं, वो भी हरियाणा के। हाँ नहीं 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 सोचा है। तो क्या लगता है बीजेपी की सरकार में काम वाम हुए या फिर कांग्रेस की सरकार में काम हुए? तो कांग्रेस की सरकार के काम और बीजेपी की सरकार के कामों को अगर आंके आप, तो ज्यादा बेहतर कब लगा आपको? ज्यादा बेहतर तो अब लगा बीजेपी में लगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर तो अब लगा, 10 साल कांग्रेस के 10 साल बीजेपी के अगर हम आंकलन करें तो अब जो तस्वीर है वो ज़्यादा बदली बदली सी अब नज़र आती है। और तो तमाम लोगों से बात हमने की और आपने देखा किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय हमारे साथ साझा की है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ज़्यादा विकास उन्हें नज़र आया, कोई कह रहा है कि अभी ज़्यादा विकास बीजेपी की सरकार में हुआ है। एक और भी युवा यहाँ पे, इनसे बात करते हैं, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मैम हमारे यहाँ तो 50-50 चांस है, लेकिन हम बीजेपी की ओर ज़्यादा जाएंगे क्योंकि बीजेपी में हमारे यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम किया हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। पहले इससे पहले हमारे लाइट की भी प्रॉब्लम थी, पानी की भी प्रॉब्लम थी, नहर की भी, तो बीजेपी में नहर भी आई है, पानी भी अच्छा है हमारी तरफ में। तो ये सब चीज़ें फायदेमंद हैं? बिल्कुल, रोड भी अच्छी हो गई। नहीं हमारे कांग्रेस टाइम में तो ऐसा था, करीब अटेली जाते थे तो करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता था। अच्छा। और अब 7 से 8 मिनट में हम अटेली पहुँच जाते हैं, ये फैसिलिटी मिली है। इसलिए बीजेपी पसंद है जी जी। हम गाँव से, हमारे यहाँ पे रोजगार भी अच्छा मिला है। हाँ जी, जैसे एससी कास्ट में हमारे बहुत कम नौकरी लगते थे, तो वो पर्ची खर्ची दोनों बंद हो गई। अब सबसे तो बड़ी पक्का इलाज हो गया, मतलब हाँ पर्ची खर्ची वालों। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं पर्ची खर्ची वालों का पक्का इलाज हो गया और चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे की हैं, गांव तक विकास पहुँचा दिया है। और यही वजह है कि हमें जो है ज़बरदस्त तरीके से टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, 50-50 नज़र आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी पर्सनल चॉइस बीजेपी है, लेकिन गाँव में 50-50 है, टक्कर ज़बरदस्त है। हालाँकि हमने बहुत से लोगों से बात की, आपने देखा और सुना क्या कुछ उनकी तरफ से बातें हमारे साथ साझा की गई, और साफ तौर पे ये इंडिकेशन है कि लोग खुश हैं कि गांव में विकास हो रहा है, दक्षिण हरियाणा का काम हो रहा है और पक्की सड़कें हैं, पानी आ रहा है और तमाम चीज़ों की सुविधाएं अब मिल रही हैं। तो अठेली के गांव कांती में इस वक्त हम आ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, और कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ विकास कार्य इस गाँव में हुए हैं पिछले 5 सालों में। गाँव में विकास हुआ? हाँ जी हुआ है, विकास भी हुआ है। हुआ है हाँ जी। तो 10 साल से बीजेपी के विधायक देख रहे हैं आप लोग, हाँ तो 10 साल में अच्छा काम हुआ या फिर उससे पहले जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तब चीज़ें बढ़िया? ये बढ़िया हुआ है काम, ये बढ़िया हाँ है। तो अभी क्या लगता है बीजेपी को फिर से मौका दिया जाएगा? देखो जी अपने इलाके तो बीजेपी के साथ है। अच्छा, पूरा बीजेपी के साथ है। सबसे अच्छा बीजेपी का काम आपको कौन सा लगता है? देखो जी नहरा में पानी भी आया है बीजेपी का टीम, 2014 में आया था बीजेपी, उससे पहले सूखी पड़ी थी नहर। मनोहर लाल ने बढ़िया काम कर दिया है, बढ़िया काम कर दिया है सर। मानते हैं ताऊ खट्टर? हाँ जी मानते हैं। तो पानी वानी आ गया, सब चीजें बढ़िया है, सड़क भी आपकी, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। 2014 में पानी आया था नहर, उससे पहले सूखी पड़ी थी। हमारे पास कुआं, हम तो पानी है ही नहीं यहाँ पर दक्षिण हरियाणा में, वैसे भी दक्षिण हरियाणा में तो पानी की कमी, सब नहर से काम होता है सब टोटली। वैसे कई काम किए हैं, वैसे भी अच्छा बढ़िया काम है। बीजेपी फिर से मौका देने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा जोर है, ज़्यादा सरकार बना सकते हैं, लगता है? आप हर आदमी अलग अलग है, कोई किसी की तरफ हले है, कोई किसी की तरफ हले, वो ठीक है जी, अपनी अपनी राय है, अपने अपने। आपको लगता है बीजेपी
ठीक है। बीजेपी ने बढ़िया काम किए और यहाँ पे 2014 के बाद ही तमाम काम हुए हैं, पानी तक पहुँच चुका है और ये लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया कि हम आखिरी टेल तक पानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ दक्षिण हरियाणा के लोग कम से कम उस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं ये काम बहुत अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। सबसे अच्छा कौन सा काम लगता है? नहर में पानी है, पहले लाइट भी नहीं आती थी कांग्रेस के टाइम में, 2 घंटा लाइट आती, अब 24 घंटे लाइट आती है। आ रही है 24 घंटे लाइट। मतलब ये जो बीजेपी कहती है कि 24 घंटे हमने गांव तक बिजली पहुंचा दी, तो आपके गांव में तो आती ही है? आती है जी, 24 घंटा जी। तो अच्छा लगता है देख के कि भाई शहरों जैसा विकास गांव में हो रहा है? हाँ जी अच्छा लगता है। ठीक है, कह रहे हैं तो कि अच्छा काम हो रहा है, बिजली भी अभी गांव में आने लगी है। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 2 घंटे बिजली आती थी, लेकिन अभी बिजली भी आ रही है, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी काम हो रहा है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, अब फिर से चुनाव आ गए, क्या फैसला करने वाले हैं? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस के टाइम में ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था। कांग्रेस के टाइम में आपको लगता है दक्षिण हरियाणा के काम वाम ठीक से नहीं हुए? सदाई उपेक्षा का शिकार रहा है कांग्रेस के समय में। 1 रुपये में बजट में 75 पैसा झज्जर और रोहतक में खर्च होता था। अब बिना पैसे के लोगों की नौकरी लग रही है, बच्चों की, खाद मिलती है, सिलेंडर मिलता है। ठीक है, मनोहर लाल जी का समय में कुछ कमियां रही हैं, जिसका खामियाजा अभी चुनाव में भुगता है इन्होंने। नेक टू नेक टक्कर हो गई, आप लोग परेशानी में डाल दिया था आपने धर्मवीर सिंह को। धर्मवीर सिंह का दरअसल जनता से जुड़ाव नहीं रहा, वो दूर रहे हैं, वो क्षेत्र में रहे नहीं, उसके खामियाजा उनको 4.5 लाख से 50,000 रुपये आ गए। तो अभी समझ जाएंगे कि भाई जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। संभव है कि समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर बाद में समझ में आ जाएगा। अभी लगता है इस तरीके से 5-5 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती, 5 कांग्रेस ने जीती, अब विधानसभा में क्या गणित गड़बड़ा सकता है या टक्कर ऐसे ही देगी कांग्रेस पार्टी? अगर कोशिश नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने जो खट्टर साहब के निर्णय थे उनको बदलने में, तो निश्चित रूप से खामियाजा भुगतेगी बीजेपी। अच्छा, तो कौन से खट्टर साहब के निर्णय आपको पसंद नहीं आए? बहुत सारे हैं, उन्होंने सबसे मोटा नुकसान क्या रहा हरियाणा के अंदर, उन्होंने कागज ही पूरे नहीं हुए। और जो है ना ऑफिसेज में मेंटलिटी ऐसी बन गई कर्मचारियों की, सिवा कमियां निकालने के उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, तो कागज देते थे तो कमियां निकाल के वापस भेज देते, ये रूटीन 10 साल से चल रहा है। तो अभी तो हुडा साहब भी कह रहे हैं कि हम इन सबको बंद करेंगे, ये तो सिर्फ हुडा साहब रोहतक के मुख्यमंत्री है हरियाणा के नहीं देखते आप? नहीं, कम से कम दक्षिण हरियाणा के साथ उन्होंने भेदभाव किया। नायब सिंह सैनी ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या इनको भी आप कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी सेकंड टर्म में मुख्यमंत्री होते तो भारतीय जनता पार्टी संभवतः 10 में से 10 सीट जीतती। अच्छा, आपको लगता है नायब सिंह सैनी इतना बढ़िया काम कर सकते थे? अच्छा, तो क्या पसंद है नायब सिंह सैनी के बारे में, लोगों को क्या पसंद आ रहा है? देखिए मैडम, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी जो मुख्यमंत्री चेंज किया है, मनोहर लाल खट्टर भी ठीक थे अपनी जगह, लेकिन कुछ वजहों से जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ना तो उनके ऊपर लगाम लग पाई, कुछ कर्मचारियों ने जनता को परेशान किया, चाहे वो फैमिली आईडी के थ्रू। लेकिन ठीक है, आज डिजिटल युग है, इसमें ऐसा भी ज़रूरी है कि भाई कंप्यूटराइज्ड होना भी चाहिए सारे डाटा, लेकिन उन डाटों की वजह से एक बात समझना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल खट्टर ने ये सब लोगों की सहूलियत के लिए किया होगा या उनकी उनको परेशान करने के लिए? नहीं, बिल्कुल उनकी मनसा यही रही है, इसके पीछे ताकि सहूलियत मिले लोगों को और इधर उधर ना भटकना पड़े। और इससे हुआ भी है, कुछ सरलीकरण हुआ भी है, जैसे मान लो किसी को डोमिसाइल, किसी को इनकम, किसी को और चीज़ें बनवाने के लिए, तो ये चीज़ें हुई भी है। और नायब सैनी जी जहाँ तक है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। नायब सैनी जी ने अब 3 महीने से ही आते देखिए डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास समाधान शिविर के माध्यम से लोगों की जो जन समस्याएं हैं। चुनाव स्तर पे हैं, ऐसा तो नहीं कि चुनावों के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हों? नहीं मैम, मैं तो एक्चुअली मैं नहीं मानता ये चीज़ें कि भाई ठीक है, ये तो एक सरकार का उसमें होता है कि भाई जन समस्याओं का लोगों का निराकरण होना चाहिए। बट ये है कि अगर ये 3 महीने से अब जो हो गया तो इसको अगर आप और पहले ले लेते तो विधायक को अगर हम कहें कि आप कितने नंबर देंगे या कैसा उनका कार्यकाल रहा, कैसा काम किया, क्योंकि इससे पहले आपने देखा संतोष यादव तब भी बीजेपी के ही आपके विधायक थे, अब सीताराम यादव ये भी बीजेपी के विधायक हैं, दोनों ही टर्म में सरकार बीजेपी की रही है, पूर्व में डिप्टी स्पीकर भी रही हैं, क्या दोनों के कार्यकाल में अंतर देखते हैं और किसके कार्यकाल को ज़्यादा बेटर मानते हैं? देखिए मैम, हमारे तो पिछले 10 सालों से
अगर संतोष मैडम की बात करें या सीताराम जी की बात करें तो हम उनको ना करके हम बसरते भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उसको हम नंबर 10 में से 8 तो जरूर देंगे, क्योंकि हमारे इस ये अटेली बाहुल अटेली क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। जिस गांव में आप रिपोर्टिंग कर रही हैं इस ये अटेली के ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है कांटी, जिसमें अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में देखा तमाम जो सड़कें थी वो टूटी पड़ी थी और बहुत ज़्यादा। मैम कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा सड़कों का बुरा हाल था, सबसे ज़्यादा बुरा हाल, ना कि यहाँ की ओवर ब्रिज, ना रेलवे का पुल बना, ना सड़कें बनी, यहाँ तक कि इस सरकार ने तो एम्स का एक ऐसी बड़ी सौगात दी है जो हमारे मातृ क्षेत्र से 30 किलोमीटर के एरिए में ही पड़ता है एम्स का, जो जो कि यहाँ मेडिकल होगा। तो कह रहे हैं सरकार को 8 नंबर देते हैं, हम कैंडिडेट नहीं देख रहे, भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं। इस बार क्या लगता है बीजेपी अगर किसी और उम्मीदवार को टिकट देती है तो क्या करेंगे आप लोग? बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ, या दूसरी पार्टियां भी बहुत सारी हैं, INLD BSP का गठबंधन है, जननायक जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, क्या सोच रहे हैं? देखो जी काम की वजह से देखो बीजेपी को देना अच्छा, चाहिए काम की वजह से बीजेपी को देना चाहिए, तो काम वाकई में अच्छे हुए। हाँ जी, तो दक्षिण हरियाणा के लिए सिर्फ बीजेपी ने सोचा क्या, ऐसा मान लें? हाँ जी बीजेपी। अच्छा, तो कांग्रेस के टाइम पर कुछ नहीं था? नहीं देखो जी अब जो काम हो रहे हैं रोड के बढ़िया काम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आपने सुना यहाँ पे तमाम लोग किस तरीके से अपनी बात हमारे साथ साझा करते हुए नज़र आए और साफ तौर पे ये कहते हुए नज़र आए कि अभी जो काम हुए पिछले 10 सालों में हम अगर बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं आज से पहले कभी हुए ही नहीं। कांग्रेस की जब सरकार थी तब साफ तौर पर भेदभाव होता रहा और दक्षिण हरियाणा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ रोहतक के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। नायब सिंह सैनी के आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, उसका जाहिर सी बात है सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिलेगा। हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टेल तक पानी पहुंचा दिया और इसी वजह से हम खुश हैं। सड़कें भी अच्छी हैं, तमाम सुविधाओं के भी तरफ सरकार ध्यान दे रही है और इन्हीं तमाम कामों की वजह से हम सोच रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बहरहाल गाँव में अगर बात करें तो आपने देखा लोगों का किस तरीके से एक तरफा ही हम माहौल कहेंगे बीजेपी की तरफ, हालाँकि जो मेन बाजार में हमने बात की तो वहाँ पर बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के देखने को मिले, सुनने को मिले। बहरहाल हमारे साथ अटेली के सफर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा जारी है, पहुँच रहे हैं आपके हलकों में और दिखा रहे हैं आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव का पूरा हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।